कह रहा है कि वेरी नाइस ड्रेस क्वीन, क्वीन कह रहा है खुद को। ओ नाच मेरा बाबू बाबू नाच मेरा सोना, नाच मेरा सोना नाच, ओ नाच मेरा बाबू बाबू नाच, डांस डांस नाच मेरा बाबू बाबू नाच, बिहू बिहू। Hey guys, welcome back to a new vlog. कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और आज है हम लोग छत पे। आज मैं छत से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग क्योंकि आज जो है हमारे घर पे लाइट भी है। देख सकते हैं यहाँ पे बाबू को कितना सतानी कर रहे हैं, पैंट भी नहीं पहना। नहीं, 4 बजे हम लोग छत पे आए हैं और 4 बजे से ये लड़का उठा हुआ है और सो नहीं रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:30 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर अभी सूरज निकल रहे हैं, सनराइज हो रहा है, दिख रहा होगा आई होप कि आप लोगों को। और इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का नज़ारा। सबसे स्टार्ट हो रही है आज हमारी सुबह की मॉर्निंग और बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखते हैं आज। हे भगवान, ये लड़का, चलो देखिए गाइस क्या के सपना। ऊपर आने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। हंसी 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 हंसी, आई लव यू। तो गाइस 7 बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। तो बस किसी भी तरह एक घर का एक रूम का लाइट जला रहे हैं और एक किचन का लाइट जल रहा है। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि हम लोग सोए भी नहीं थे आज रात भर ठीक से। तो कपड़े वपड़े पहना के बाहर भेज दिया है। दादी बाबू के पापा और बाबू सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, पापा ऊपर चले गए। अभी खाना वगैरह बस बन रहा है, थोड़ा बहुत चाय वगैरह हमने पी लिया, नाश्ता वास्ता भी बन रहा है और उसी की तैयारी कर रही हूँ साथ साथ। तो चलिए फिर ऊपर चलती जल्दी से झाड़ू वड़ू लगा के आती हूँ और फिर मिलते हैं सबसे। तो गाइस देखिए अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है और बाबू को भी मैंने नहला दिया है और सब लोग नहा वहा लिए और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। मम्मी नहा चुकी हैं और बस अब हम लोग जा रहे हैं दोनों जने। तो थोड़ी देर में आते हैं, छाता देखिए। तो फिर हम दोनों को एक एक छाता लेना पड़ेगा। सिल्क जयपुरी टाइप में है थोड़ा सा, है ना, पर अच्छा लग रहा है। मम्मी कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है इसका, बस ये थोड़ा अच्छा लगते तो हैं ये वाले कपड़े, रुकते नहीं है। ये भी साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, दुकान में आते हो तो सारी अच्छी लगने लगती है। इसका जरा ये दिखाइए भैया, ये सुंदर लग रही है मम्मी, यही सही है ना। कलर यही सही लग रहा है मेरे ख्याल से, इसमें के 2-3 कलर और है। ये हो गया एक हमारा फाइनल, इसका ये ब्लाउज है, बॉर्डर पूरे में ये लेस पूरे हैं। लंबी चौड़ी साड़ी अब खूब सारे घूम बनेंगे। तो गाइस साड़ी तो हमारी ले ली हमने और अब देखते हैं जरा एक सूट देखते हैं पहले। ये क्या है? ये चुन्नी है, कॉटन है बिल्कुल। ये कितने के भैया?
आज हमने लिया है स्लीप वेल का मैट्रेस, जिसके साथ दो पिल्लो फ्री 5 साल की वारंटी। कुछ भी प्रॉब्लम हो 5 साल की रिप्लेस वारंटी है। तो गाइस देख सकते हैं, हटो, ये हमारी हीरोइन है। और अब बाबू के डैडी रखेंगे मैट्रेस को। हटो बेटा, हट। तो गाइस बहुत ज्यादा भारी है मैट्रेस। नो, देख सकते हैं गाइस, बाबू एकदम हो गया है पागल मैट्रेस को देख के। ओए उधर जाओ। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने पुराने, हमारा पुराना वाला मैट्रेस जो रूई का है। ये बहुत ज्यादा अच्छा मैट्रेस है, बहुत ही ज्यादा गाइस एकदम कंफर्टेबल। लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि इसमें बेड शीट वगैरह ना अच्छी नहीं लगती थी देखने में, तो इसलिए सिर्फ इसको चेंज करना पड़ा, वरना कंफर्टेबल में सबसे अच्छा यही है। तो देख सकते गाइस बाबू को पता नहीं क्या हो गया है, एकदम इसको मजे आ रहे हैं इसको कूदने में, मजे आ रहे कह रहा है। ऊपर भी चला जाता है भैया के रूम में, तो ऐसे कूदता रहता है। तो चलो, तो गाइस देख सकते हैं बाबू कह रहा है इसमें चद्दर क्यों बिछाया, मतलब इसको चाहिए कि इसमें चद्दर मत बिछाओ। अभी मैं इसमें तकिए पे कवर लगा रही हूँ और ये परेशान कर दिया। क्या हुआ? हटा दूं? ये नहीं खोलना बेटा। गाइस कह रहा है ये चद्दर हटा दो और मुझे ऐसे ही बस सोना है। अभी आए हम लोग बोलते हैं हर्षित, आंखें दिख रही हैं बस हर्षित की। यू हर्षित भैया कहाँ है बेटा? हर्षित भैया कहाँ है? कहाँ है हर्षित भैया? मैं हूँ, बोलो। तो देख सकते हैं ये चढ़ रहा है, सोच रहा है कि ऊपर चला जाऊंगा वहां पे, वहां से हर्षित बोल रहा है। और अभी आई मैंने यहाँ पर, अरे मुझे लगा कि पूजा नहीं है क्या? अच्छा। कह रहा हर्षित भैया पास जाऊंगा, बाय करो भैया को, बाय करो, चलो बाय बेटा। और बाबू को देखा आपने कि किस तरह से हर्षित को देख के एकदम पागल हो गया, सोच रहा था ऊपर कूद जाऊं। तो चलो चलते हैं घर, चलते बात करते हैं।